morning class. I welcome to you all online classes. In this today we will move further in chapter 5, Plants Around Us. In this class, earlier in the class we studied about the structure of the plants and the parts of the plants and also leaves and structure of the leaves. Today we will start this chapter and move further. Seeds and its germination. हम आज क्या पढ़ेंगे? Seeds and its germination. What is seeds? सीड्स क्या होते हैं? छोटे बीज होते हैं. इट्स अ स्मॉल बीज, वो बहुत छोटे से होते हैं. दैट प्लांट वी विल गेट प्लांट प्लांट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट्स कम फ्रॉम द सीड्स. ओके, प्लांट्स कहाँ से आते हैं? सीड्स से आते हैं. ओके, दिस हैपन व्हेन द सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड एंड स्प्राउट. ओके, कब होता है? जब हम सीड को ग्राउंड में प्लांट कर मतलब ग्राउंड में या सॉइल में डिग करते हैं और वो धीरे 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 बड़े होते हैं. जर्मिनेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सीड. जर्मिनेशन क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एक प्लांट का सीड से जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन. ओके, नाउ दिस इज अ प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, व्हाट यू विल नो स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. यू ऑल सीन दिस इज स्मॉल सीड. ओके, इट इज अ बीन सीड. ये बीन का सीड है, बहुत छोटा सा स्मॉल सा है एंड इट हैज आउटर लेयर. दिस आउटर लेयर इट्स नोन एज अ सीड कोट. ये क्या होती है? ये सीड कोट होती है. ओके, दिस इज अ सीड कोट. इट हैज लाइक दिस. आपने सबने देखी होगी छोटे से आपके घर में जो है मेनी वेजिटेबल, छोटे छोटे जो चने होते हैं या फिर आप राजमा ले लो, दैट इज सीड ना, वो छोटे से होते हैं तो उनकी जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द सीड कोट. ये जो लेयर होती है सीड कोट होती है एंड इट इज वेरी हार्ड. बट नॉट ऑल सीड्स आर लाइक सेम. सारे सीड्स सेम नहीं होते हैं. कुछ की जो आउटर लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है एंड सम आर हार्ड आउटर लेयर का. ठीक है, दिस इज known as a seed. Now, when you, what does the seed mean? मतलब आप सीड से क्या कर सकते हो? आप उसे खा भी सकते हो बट ऐसे ही नहीं खा सकते. We will soak them in water for 2 or 3 days. After that, you will eat it and it is very healthy and nutritious. You also, आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगी और आपके हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन है और बहुत अच्छे डाइट फूड में भी इसको सीड को कंसिडर हम करते हैं. ठीक है, बट यू हैव टू सोक इट फॉर टू ऑलमोस्ट 2 or 3 days. Then you will able to eat that seed properly. Okay? और आप उसमें बहुत टेस्टी भी करके टेस्ट करके भी खा सकते हो. यू विल पुट सम अनियंस एंड टमाटोज, ऑल्सो पुट सम लेमन जूस एंड सॉल्ट, देन यू कैन ईट इट एंड इट लुक वेरी टेस्टी एंड ऑल्सो ईट वेरी टेस्टी. वो टेस्टी बहुत खाने में भी होता है और आपको नरिशमेंट भी बहुत मिलता है एंड यू गेट हेल्थ. मतलब आप अपने डाइट फूड में या आप डेली रूटीन में भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. ओके, वेन यू ओपन द सीड, आप क्या करोगे जब सीड ओपन करते हो तो इट शोज लाइक द सीड. यू ऑल नो कि अ सीड इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ आर बॉडी. किडनी जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसके जैसा ही सीड का भी स्ट्रक्चर होता है, जस्ट सेम लाइक दैट. ओके, इट्स स्मॉल, वो बहुत सिमिलर टू द किडनी. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. ओके, दिस दिस पार्ट ऑफ सीड इज नोन एज सीड बीज. ये जो पार्ट होते हैं, देयर आर टू सीड बीज इन आवर सीड. हम जब से ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा एंड दीज टू पार्ट्स आर नोन एज सीड बीज. और इन्हें हम क्या कहते हैं? सीड बीज. व्हाट दे विल डू, दे विल नरिश द प्लांट्स और प्लांट्स. ये क्या करते हैं? ये नरिश करते हैं एंड दे विल प्रोवाइड द फूड टू द प्लांट्स. और ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं किसको? प्लांट्स. इन बिटवीन द सीड लीव देयर इज अ एम्ब्रियो पार्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. This is the part of the embryo. Okay, here, this part. ठीक है, and in embryo, the down part is known as pedicle. You all studied about the root and the shoot part now. So this part is known as pedicle and this part is known as pubule. ठीक है, this part is pubule. This part is known as pubule and this part is known as pedicle. Okay, pedicle is the shoot axis, root axis part. This is part. It means root axis part. Okay, I have drawn the embryo diagram here. You can clearly see it. आप यहाँ से देख भी सकते हैं. Okay, this root part, this below part is known as pedicle. That is known as root axis. Okay, and this above, this pubule, it is known as the shoot axis part. Okay, ये shoot axis होता है और जो नीचे होता है वो root axis होता है. Okay, the seed coat क्या करता है? Protect the What does the seed coat do? Seed coat do the protect the baby plant. वो baby plant को protect करते हैं. Okay?
अच्छा हम क्या करते हैं, सीड लीव्स प्रोवाइड द बेबी प्लांट फूड, वो बेबी प्लांट्स को फूड प्रोवाइड भी करते हैं फ्रॉम द सीड लीव्स, ठीक है। सीड लीव्स क्या करते हैं, अपने बेबी प्लांट्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अ सीड लीव, दिस इज ह्यूमन एंड दिस इज रेडिकल आर मीन्स अ रूट पार्ट दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। आपने पढ़ा था प्लांट्स में कि रूट और शूट होता है, रूट इज बिलो द सॉइल एंड शूट इज अबव द सॉइल। तो इन द सेम वे एम्ब्रियो इज लाइक द दिस इज रेडिकल रूट एक्सिस पार्ट एंड ट्यूबल इज द शूट एक्सिस पार्ट। ओके आई होप यू गेट क्लियर। ओके चले नाउ इन योर होम रीड द चैप्टर वंस अगेन। थैंक यू क्लास।